हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर चैनल में। अगर आप खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, दिल्ली से काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं। ट्रेनों का मैं टाइम बता देता हूँ। दिल्ली से सरायरोला से भी मिल जाती है, अजमेर जंक्शन चेतक एक्सप्रेस चलती है, वो भी दिल्ली सरायरोला से चलती है। एक सैनिक एक्सप्रेस चलती है, वो दिल्ली जंक्शन से चलती हैं। सभी ट्रेनें दिल्ली कैंट होते हुए निकलती हैं। अगर टाइम की बात करें दोस्तों, 1:15 बजे चलती है, 1:30 बजे चलती है, 1:30 बजे चलती है। आप दिन अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से दिन में जाना है। इसके बाद सर दोस्तों बताना चाहता हूँ, यहाँ से रिंगस की दूरी 3 घंटे में सफ़र आपका हो जाएगा, और रिंगस से बाबा श्याम बाबा का जो सफ़र है मात्र 18 किलोमीटर का होता है। 18 किलोमीटर के लिए आप शेयरिंग टैक्सी का यूज़ कर सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का जो किराया होता है वो मात्र 50 रुपीज़ होता है, मतलब 50 रुपये किराया लगेगा आपका। वहाँ जाने के बाद दोस्तों आप धर्मशाला ले सकते हैं या होटल वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, धर्मशाला का जो आपका जो फेयर होगा, किराया होगा, मात्र 200 से 300 रुपये होता है, और होटल का 500 से 600 रुपये के करीब आपका आएगा। वहाँ पे अपना फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और बाबा की लाइन में लग जाइए। बाबा की लाइन में लगोगे आप तो सैटरडे संडे में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश मिलता है, वही आप मंडे या ट्यूसडे में जाते हैं या वेडनेसडे में जाते हैं तो रश कम मिलेगा। वहाँ पर जाके आराम से दर्शन कीजिए, बाबा के टाइम स्पेंड कीजिए, और अगर आपको लगता है आप उसी दिन सेम डे वापस आना चाहते हो तो आप सेम डे भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि बाबा का जो दूरी है वो 3 घंटे की दूरी है। कैसा लगा दोस्तों वीडियो? आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।